हेलो गाइस, तो आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम क्या देखेंगे, सोल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये बहुत दफ़ा बोर्ड के एग्जाम्स में क्वेश्चन आ चुके हैं और ये वही क्वेश्चन हैं जिनको मैं सोल्व करने लगा हूँ। तो देखते हैं इनको सोल्व कैसे करते हैं और जो भी है हमारा इनका जो है जो सोल्यूशन कैसे होगा। तो मोस्टली अब आपके पास कह रहे थे ना डायरेक्ट ही कि आप सोल्व करें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन और ये नहीं पता कि किस तरह करें। तो यार मैं तो यूज़ करता हूँ क्रामर लोड, क्योंकि मुझे इन्वर्स मैटर के अंदर एडजॉइन लें एडजॉइन लें वो सवाल काफ़ी लंबा हो जाता है। जो डिटर्मिनेंट है वो फिर भी इतना लंबा नहीं होता 3x3 का। तो मैं क्या करता हूँ, मैं हमेशा यही करता हूँ कि मैं ज़्यादातर क्रामर रूल के जरिए सोल्व कर लेता हूँ। अगर वो कह दे जी इन्वर्स है तो मैंने इन्वर्स के लिए वीडियो बनाई हुई है, आप वो देख सकते हैं। अगर वो कह दे कि क्या नाम लेना है अपने और दो दो तीन मेथड है जिसके जरिए एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो गॉस लॉ हो गया ये इस तरह की चीज़ें। तो आज मैं करने लगा इनको हल क्रामर रूल से। तो करते हैं क्रामर रूल के अंदर जो है उसका फॉर्मूला वो तो सबको पता ही है, तो मैं एक बार फिर लिख देता हूँ। उसके लिए होता क्या, हमें निकालना पड़ता है इनको, पहले कन्वर्ट कर लेते हैं कॉलम्स के फॉर्म के अंदर, कॉलम यानी कि मैट्रिक्स के फॉर्म के अंदर। तो ये मैं मैट्रिक्स के फॉर्म के, ये 2, ये आ गया 3, ये आ गया 4, तो ये आ गया 1 1 माइनस 1, तो 1 1 माइनस 1, और ये आ गया 1 माइनस 5, और ये आ गया 1, ठीक है। ये मेरी आ गई एक्स वाई जेड जो मैंने फाइंड करनी है, और ये मेरी आ गई 1 8 और ये 5। तो इसके अंदर करना क्या, हमने फाइंड करना डिटरमिनेंट। ये मेरा ए है तो ए का डिटरमिनेंट। अब मैं इसके अंदर आपको करके नहीं दिखाऊंगा, मैं डायरेक्ट इसके आंसर लिखूंगा, क्योंकि ये मैं काफ़ी दफ़ा दिखा चुका हूँ कि डिटरमिनेंट कैसे लेते हैं। अगर आपको फिर भी नहीं आता, आपको प्रॉब्लम हो रही है डिटरमिनेंट लेने के अंदर, तो डिटरमिनेंट के लिए मैंने एक वीडियो डाली हुई है, उसके अंदर आप मेरा वो लेक्चर देख सकते हैं और आपको डिटरमिनेंट समझ सकते हैं डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं। अब इसके अंदर हमें क्या ज़रूरत पड़ती है, ए एक्स वन की, उसके डिटरमिनेंट की, ए एक्स टू के डिटरमिनेंट की, और ए एक्स थ्री के डिटरमिनेंट की, ठीक है। तो वो कैसे निकालना है, वो क्या होता है कि एक्स वन एक्स थ्री, एक का बता रहा हूँ, बाकियों का मैं डायरेक्ट आंसर ही लिखूंगा। देखिए उसके अंदर हमने करना क्या होता है, जो हमारा ये होती है ना ये वाली कोफिशिएंट वाली लाइन, इसको हम क्या कर देते हैं, इस पूरी रो की जगह कॉलम की जगह करते हैं चेंज कर देते हैं 1 8 5, और बाकी सेम ही रहता है 1 1 माइनस 1 1 माइनस 5 1, ठीक है, इस तरह ही करता है सेम रहता है। और इसका भी आगे लिख लेते हैं। अब मैं इनके बाकी दोनों का क्या लिखूँगा, आंसर लिखूँगा। तो जो ए का डिटरमिनेंट जब हम निकालते हैं, तो आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, आप कहेंगे तो मैं सिखा भी दूंगा कैलकुलेटर पे कैसे, उसके लिए एक अलग वीडियो डाल दूंगा। इसका डिटरमिनेंट निकलता है -38। तो अब एक ए एक्स वन का निकालते हैं, ए एक्स वन का डिटरमिनेंट क्या निकलेगा, ए एक्स वन का डिटरमिनेंट निकलता है 50, क्या निकलता है -50। और जब हम ए एक्स टू का, ए एक्स टू के अंदर क्या होता है, इसको इस कॉलम की जगह एक्सचेंज कर देते हैं और उस तरह डिटरमिनेंट ले लेते हैं, और थ्री के अंदर इसको इसकी जगह चेंज करते हैं और डिटरमिनेंट ले लेते हैं, इसकी वैल्यू निकलेगी 26 ए एक्स टू की, और ए एक्स थ्री की निकलेगी 36। तो जो हमारा क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है ना, उसके अंदर जो आंसर कैसे निकलता है, आंसर निकलता है इससे कि जो हमारा एक्स होता है एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री यानी कि एक्स वाई जेड, तो वो निकलता है ऐसे कि हम ए एक्स वन को के डिटरमिनेंट को डिवाइड कर देते हैं ए के डिटरमिनेंट से। तो मेरा डिटरमिनेंट क्या निकला है वो लिख लेंगे यहाँ पे, ए एक्स टू के डिटरमिनेंट को ए के डिटरमिनेंट से, तो तीसरे के बताने की ज़रूरत है, एक्स थ्री के डिटरमिनेंट को कर देंगे उससे डिवाइड। तो एक्स थ्री का क्या था, 36 ओवर -38, और ये आ जाएगा मेरा एक्स टू का 26 ओवर -38, और इसका क्या आ जाएगा -38 ओवर। इसको अगर हम मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो हमारा जो है ये डिवाइड होके माइनस माइनस से कट गया, तो ये पॉजिटिव होगा, तो ये हमारा मज़ीद अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये मेरा आ जाता है, ओह ये मैंने उल्टा लिख दिया, 50 ओवर 38। तो इसको करें तो ये हमारा मज़ीद सिंप्लीफाई करके एक्स की वैल्यू आ जाती है 25 ओवर 19, और वाई की वैल्यू आ जाती है 26 ओवर, इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाती है -13 ओवर 19, और जेड की वैल्यू आ जाती है -18 ओवर 19। अगर आप देखना चाहते हैं कि आपका जो सवाल का आंसर है वो सही है कि नहीं, तो इन एक्स वाई जेड की वैल्यू को पुट कर सकते हैं इसके अंदर, तो आपको पता चल जाएगा आपको जो क्वेश्चन है वो सही है कि नहीं। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो देखते हैं इसके अंदर, देखें सबसे पहले तो सिंप्लीफिकेशन होगी, क्योंकि ये इसने बड़ा ही आसान सा सवाल दिया जिसको हम कन्वर्ट कर लेंगे पहले। अगर देखें हम यहाँ से सिक्स कॉमन लें तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, एक्स माइनस वाई प्लस जेड, और ये उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो ये इक्वल टू आ जाएगा सिक्स बाय डिवाइड बाई सिक्स इज इक्वल टू वन। उसके बाद यहाँ पे देखें, यहाँ पे टू कॉमन आ रहा है, तो टू ये क्या बन जाएगी एंड पे मेरी, एक्स माइनस टू वाई माइनस थ्री जेड, जब टू को डिवाइड करेंगे 12 से तो वो आ जाएगा सिक्स। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फाइव आ रहा है कॉमन, तो ये मेरी क्या बन जाएगी, टू एक्स माइनस वाई प्लस जेड, ये जब फाइव उधर जाकर डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा 30 की जगह सिक्स। अब देखें ये मैंने इसको सिंपलीफाई कर लिया, अब मैं ये वाली यूज़ करूँगा, ठीक है, अपना जो क्वेश्चन है उसको सोल्व करने के लिए लिए। तो चलें अब दूसरी एग्जांपल की तरफ चलते हैं। इसके अंदर देखें, हमने ये तो उसको सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर तो कर लिया, अब क्या करेंगे, हमारा जो ए है उसको लिख लेते हैं। ए हमारा क्या है, वन माइनस वन वन, वन टू माइनस वन, वन माइनस थ्री, और ये वन मेरा आ गया है ए। इसका मैंने क्या लेना है, डिटर्मिनेंट, तो ए का जो मेरा डिटर्मिनेंट आता है वो आएगा फाइव, ठीक है। तो आगे आ गया ए एक्स वन, जो कि मैंने आपको कहा है ए एक्स वन के अंदर लिए, हम क्या करेंगे, ए एक्स वन का डिटर्मिनेंट लेना है, तो उसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है। इसके अंदर क्या करेंगे, ए एक्स वन की वैल्यूज डाल देंगे। ए एक्स वन की वैल्यू क्या है, जो फर्स्ट के कॉलम के अंदर पुट करना है हमने, तो चलते हैं इसकी वैल्यूज पुट करते हैं। तो ए एक्स वन के अंदर क्या होता है, एक्स वन की जो रो है उसके अंदर हम क्या पुट कर देते हैं, वन सिक्स सिक्स, जो हमारा कोफिशेंट वाला है हिस्सा, बाकी सेम का सेम, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री वन माइनस थ्री वन, और एक्स टू के लिए भी इसी तरह। एक्स टू के लिए कौन सी वैल्यूज आएंगी, वन 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 टू सिक्स सिक्स, सेकेंड कॉलम के अंदर आ जाएगा वो कोफिशेंट वाला, माइनस थ्री वन, और एक्स ए एक्स थ्री इसके लिए आ गया। तो ये हमारी आ जाएगी वन वन टू, ठीक है, माइनस वन माइनस टू माइनस वन, और यहाँ पे थर्ड कॉलम के अंदर कोफिशिएंट वाली वैल्यू। तो इसका जो डिटर्मिनेंट आएगा वो मैंने निकाल लिया हुआ है, तो मैं डायरेक्ट इसका डिटर्मिनेंट लिखूँगा। इसका आएगा 25, इसका आएगा 11। अगर आपको नहीं है तो आप निकाल के भी देख सकते हैं, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए अच्छा है कि आप खुद निकाल लें, लेकिन मैं आप कैलकुलेटर बार बार जो, अब हर सवाल के लिए तो बार बार निकाल नहीं सकता, इस टाइम वीडियो और लंबी हो जाएगी, तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, डायरेक्ट निकाल रहा हूँ। तो एक्स वन मेरा क्या, एक्स क्या है मेरा, एक्स मेरा है ए एक्स वन का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। तो देखिए मैं वैल्यूज पुट करता हूँ, ए एक्स वन मेरा क्या है, 25 आया है डिवाइड बाई फाइव, तो ये मेरा क्या आ गया है, एक्स का गया है फाइव, और वाई देखते हैं, वाई क्या है, ए एक्स टू का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट, तो ये मेरा आ गया है 11/5, और ए एक्स ये वाई जेड का, जेड के आ गया है ए एक्स थ्री ओवर ए का डिटर्मिनेंट, तो ये मेरा आ गया -9/5। तो मेरी एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई। चलिए मैं इसको एक पुट करके देखता हूँ पहले इक्वेशन के अंदर कि मेरा ये जो है वो सही आया भी है कि नहीं। तो एक्स के लिए फाइव आ गया, माइनस वाई के लिए मेरी वैल्यू पुट करता हूँ तो वह है 11/5, और जेड के लिए प्लस जेड है तो वो क्या आ जाएगा, -9/5 इक्वल टू वन है। तो एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेने से क्या आएगा, फाइव आ गया एलसीएम, फाइव फाइव जेड 25, -11 -9 इक्वल टू वन, तो ये मेरा हो जाएगा 25 में से 20 निकाल ले, फाइव फाइव बाई फाइव, फाइव फाइव से कट गया, तो ये मेरा आ गया वन इक्वल टू वन। इसका मतलब जो मैंने वैल्यूज़ निकाली हैं वो गलत नहीं है, क्योंकि उसने मेरी जो इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई भी कर दिया है। तो ये था सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने का तरीका। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज़ लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल।